शांति। आज की कहानी इस प्रकार है। एक महात्मा जी जंगल में बहुत अच्छी साधना करते थे, तपस्या करते थे, भक्ति में लीन रहते थे। एक बार वहां से राजा अपने मंत्री के साथ गुजरे तो उन्होंने जब महात्मा जी को देखा तो राजा को विचार आया कि वो इतने भक्ति में लीन है, यहाँ गर्मी सर्दी बरसात में वो कैसे रहते हैं। तो उन्होंने मंत्री को कहा कि महात्मा जी को पूछ के आओ कि सर्दियों में आपकी रात यहाँ कैसे बीतती है। मंत्री जी गए महात्मा के पास और राजा जी का प्रश्न पूछा तो महात्मा जी ने कहा कि रात तो आप लोगों के जैसी ही बीतती है, पर दिन आपसे भी अच्छा बीतता है। मंत्री जी ने राजा को जाकर के जवाब सुनाया। राजा को बड़ा वंडर लगा। उनको इच्छा हुई कि मैं स्वयं महात्मा जी के पास जाऊं। वे महात्मा जी के पास आए और महात्मा जी को कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं फिर से आपको पूछना चाहता हूँ कि आपका दिन और रात सर्दी में यहाँ कैसे बीतता है। तो महात्मा ने कहा कि रात तो आपके जैसे ही बीतती है, दिन आपसे भी अच्छा कटता है। राजा ने कहा, महात्मा जी मैं इस राज को समझ नहीं पाया, मुझे थोड़ा स्पष्ट करो। तो महात्मा जी ने कहा, देखो रात को तो गहन निंद्रा में आप भी होते हो, मैं भी होता हूँ, दोनों हम निंद्रा देवी के गोद में सोए रहते हैं, परंतु दिन में आप अपने कारोबार में भले और बुरे कामों में व्यस्त रहते हो और मैं तो पूरा ही दिन श्रद्धा पूर्वक परम पिता परमात्मा के सिमरण में बिताता हूँ, तो मेरा दिन आपसे भी ज्यादा अच्छा बीतता है। राजा को बहुत अच्छा लगा। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी जितना हो सके सारे दिन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा परम पिता परमात्मा का सिमरण करें, ताकि हम पाप कर्मों से अपने को बचा सके। ओम शांति।